खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। मधेपुरा जिला के सिंघेश्वर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नौ प्राथमिक विद्यालय विसरिया विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक रखी गई थी, उसमें वहां के ग्रामीण उपस्थित थे। ग्रामीणों को चयन किया गया, उनमें से जो दीदी चुनी गई उसे उनका पद का भार बता दिया गया। देखिए हमारे जिला ब्यूरो चीफ आरजू अंसारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मन्नत समाचार, मैं आरजू अंसारी। इस वक्त हम मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नव प्राथमिक विद्यालय विसरिया में मौजूद है। यहाँ क्या कहता है रखा विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें दीदी लोगों को चयन किया गया। आइए यहाँ पे जो मौजूद है उनसे बात करते हैं कि सर उसमें किनको किनको चुना गया, कौन कौन सा पद है। मैं संकुल गणेश कुमार यादव, यहाँ हम आए थे मतलब शिक्षा विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य और सचिव के चयन हेतु। आज 17 तारीख है और इसमें जो चयन किया गया उसमें पिछड़ा वर्ग से रंजिता देवी, बेबी देवी और अत्यंत पिछड़ा से चंपा देवी, रंजन देवी और अनुसूचित जाति से निर्मला देवी और लक्ष्मी देवी और समान जाति के बच्चे का नामांकन नहीं होने के कारण ये पद रिक्त रह गया और एक पद था चयन माता समिति से करना था, क्या कहते हैं निःशक्त बच्चे के माता को, तो वो भी पद रिक्त रह गया। और इस क्षेत्र से हम जो चयन प्रक्रिया करके रंजन देवी का सर्वसम्मति से चयन किया।